ग्वालियर से लघु एवं मध्यम श्रेणी संबंधकार संघ के लेटर हेड पर कथित ज्ञानंद अवस्थी के नाम से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने के बाद ही ठेकेदारों को भुगतान मिलता है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के 41 जिलों में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा FIR की गई है, जिसके बाद कांग्रेस भी हमलावर हुई है और कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा शासनकाल में हुए सभी निर्माण कार्यों में घोटालों के आरोप लगा दिए हैं। कारण डैम से लेकर महाकाल लोक का मूर्ति घोटाला, ग्वालियर में 1000 बेड के अस्पताल घोटाला, टेंडरिंग का घोटाला, नर्सिंग घोटाले समेत तमाम घोटालों की फहरिस्त कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने गिना दी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को दिए पत्र में सरकार पर लगे आरोपों की जाँच न करते हुए इस पत्र को बहाल करने वालों के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिए। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और अब उसे अपनी जाती सत्ता नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा का कहना है कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और जनता के सामने भाजपा की पोल खुलेंगे। 41 जिलों में FIR हुई है, आप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ किस तरीके से विरोध करने वाले हैं? ये जो है भाजपा की बौखलाहट है और जिस तरह से शिवराज सिंह ने जनता का विश्वास खोया है और जनता अब उनको पूछ नहीं रही है, उनकी समझ में आने लगा है कि अब हमारी सरकार नहीं बन रही है, ऐसी परिस्थिति में बौखलाहट में आके इस तरह के काम कर रहे हैं, हमारा मानना है। और लेकिन वो ये समझ लें अच्छी तरह कि ये जो दहशत पैदा करने का जो प्रयास चल रहा है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दहशत में नहीं आने वाला और इसकी लड़ाई सड़कों पर लड़ने को तैयार है कांग्रेस। आप जे अभी स्वतंत्रता 15 अगस्त जो स्वतंत्रता मिली देश को, तो राष्ट्रीय पर्व है, इसको मना लेंगे, उसके बाद हम हर तरह से निपटने के लिए तैयार। निश्चित रूप से हम दहशत में किसी भी प्रकार से नहीं आने वाले और इनके जो 50% कमीशन की बात है, वो जो आवेदन दिया लघु ठेकेदार संघ ने, उस आवेदन पर जो भी प्रतिक्रियाएं आई, जो प्रिंट मीडिया ने छापा, जो ट्वीट किया गया, उसमें कहीं किसी का कोई दोष नहीं है। और उसके बाद भी अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस सरकार जब आती है तो क्या जो आपने अभी आरोप लगाया कि जैसे कि 1000 बिस्तर का अस्पताल हुआ है, एलिवेटेड हुआ, तो तमाम सारे निर्माण कार्यों की जांच होगी क्या? निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोटाले किए गए हैं, सरकार द्वारा जो चाहे वो पटवारी घोटाला हो, चाहे वो खनिज घोटाला हो, चाहे वो हमारा बच्चों का निवाला छीनने का काम हो, जो भी घोटाले किए गए हैं, चाहे निर्माण कार्य में जो बड़े बड़े स्तर पर घोटाले किए हैं। आज ही मैंने एक दैनिक अखबार में पढ़ा है कि पुरुष शौचालय का ताला डला है, महिला शौचालय का गेट टूटा डला है, ये स्थिति हो रही है अभी से। अभी विधिवत उसका लोकार्पण भी नहीं हुआ और अभी से अस्पताल की दीवारों में दरार आ गई हैं, दीवारें चटक रही हैं, गेट उखड़ रहे हैं, फर्श टूट रहे हैं, तो एक घोटाले नहीं है तो क्या है? और ये घोटालों की सरकार है, एक नहीं, पिछले 18 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1800 घोटाले किए हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर, डंपार घोटाले से शुरुआत से लेके आज तक जितने घोटाले, और सारे घोटालों की जांच कांग्रेस जब आएगी तो करेगी। उसके साथ साथ घोटालों की जांच के साथ साथ मेन जो काम है, दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित गरीबों को न्याय मिले, उनकी मूलभूत सुविधाएँ मिलें, किसानों को उनका हक मिले, वाजिब दाम मिले, किसानों का कर्जा माफ हो, किसानों को 5 HP तक की बिजली मुफ्त मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, इस सब चीज़ों के लिए भी कांग्रेस काम करेगी। केवल एक काम नहीं करेगी, केवल घोटालों की जांच ही अकेली नहीं करेगी, सारे काम करेगी। ज्ञानेंद्र अवस्थी कहाँ है, वो उसकी कोई जानकारी? ज्ञानेंद्र अवस्थी कहाँ, जो पुलिस को पता हुआ पुलिस ने गायब कर दिया है। जैसे जब शुक्ला जी ने एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब की तो रातों रात पुलिस और प्रशासन के माध्यम से उसको गायब करके मुख्यमंत्री निवास में ले जाया गया, वहाँ उसको नहलाया गया, कपड़े नए पहनाए गए, उसकी पैर पूजे गए और वो भी पता लगा बदल के ले गए। ऐसे ही कोई ज्ञान अवस्थी कहीं ना कहीं होगा, पुलिस के कब्जे में होगा या CM हाउस में होगा, इस जांच का विषय है, इसकी जांच करेंगे तब पता लगेगा।